जो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव है, कुछ लोग इस चुनाव को विधायक बनने का चुनाव समझते हैं, कुछ लोग इस चुनाव को मंत्री बनने की सीढ़ी मानते हैं और कुछ लोग इस चुनाव को आपके अपने आगे के राजनीतिक भविष्य के साथ जोड़ते हैं। मगर माताओं, बहनों, भाइयों, ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य निश्चित करने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का। ये चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहां माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। ये चुनाव सुनिश्चित करने वाला है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा, यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, वो निश्चित करने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करने का है कि रॉ शुगर इंपोर्ट कर किसानों को गन्ना न मिले, गन्ने का दाम न मिले, गन्ने का भुगतान न हो, ऐसी सरकार लानी है या 1,53,000 करोड़ का भुगतान कर किसान को गन्ने का भुगतान करने वाली सरकार लानी है। अंग्रेज लोग जात पात की बात करते हैं, जो कुछ लोग धर्म की बात करते हैं वो चुनाव को गुमराह करने चाहते हैं। मैं आज यहां पर आया हूं, मैं 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2014 में भी आया था। मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, हमने इस 7.5 साल में उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम। अभी पुलिस हेडक्वार्टर से मैं यहां आया, कितना अच्छा हाईवे रोड बना हुआ पड़ा है मित्रों। सिर्फ बागपत क्षेत्र के अंदर मेरे पास पक्का हिसाब है 3400 करोड़ से ज्यादा के काम सिर्फ 5 साल में हमारे सांसद ने अलग अलग जगह से कराए।